तो सर ध्यान से देखें तो मैंने कहा था सर इस चैप्टर के अंदर एक ये टॉपिक है कंप्लीट। अगले पड़ाव पे आ गए हैं, कौन सा? बिजनेस परचेज। सर टिक कर लेते हैं इस पे। अरे टिक। अब अगला बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज। और सर ये इतना इंटरेस्टिंग है ना बिजनेस परचेज पे, तो आपके 30 नंबर का सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में। जो आपका एमलगमेशन एक चैप्टर है वो भी बिजनेस परचेज ही है, होल्डिंग जो है वो भी बिजनेस परचेज ही है। ये 30 नंबर का सवाल पूछा जाएगा इसमें से। इशू प्राइस 10% प्रीमियम पे था तो 11 हो गया था ईशा। 10 रुपए वाला शेयर 10% प्रीमियम, यानी फेस वैल्यू में प्रीमियम को एड ऑन कर देंगे हम, ठीक है। अब सर बिजनेस परचेज का डेफिनेशन बताओ आप। देखना एग्जाम्पल, मैं आपको एक बिजनेस की कहानी बता रहा हूं। पुरानी बैलेंस शीट्स के थ्रू ये थोड़ा हमें जल्दी समझ में आता है। चलिए मैंने लिखा यहां सर, मैंने यहां लिखा बैलेंस शीट, और ये लाइबिलिटी होता है और ये एसेट होता है, और ये बैलेंस शीट है पी क्यू आर लिमिटेड की। पी क्यू आर लिमिटेड की बैलेंस शीट है ये सर। पी क्यू आर लिमिटेड की बैलेंस शीट है ये। यस सर। अब इस बैलेंस शीट के अंदर का बता देता हूं। शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख रुपए, क्रेडिटर क्रेडिटर 5 लाख रुपए, बैलेंस शीट का टोटल 10 लाख रुपए। तो सर इधर भी कितना आएगा? 10 लाख रुपए। यहां क्या क्या जानकारी है सुन लो सर। बिल्डिंग बिल्डिंग 5 लाख रुपए, डेटर 1 लाख रुपए, कैश 50,000 रुपए, फर्नीचर 3 लाख रुपए। ये आपके पास जानकारी है। अभी कितने हो गए सर? अभी भी 50,000 की कमी पड़ रही है। बैंक डाल देते हैं, बैंक 50,000। अब हुआ ये कि एक व्यक्ति जो बहुत पैसे वाला है, जो कि पहले से ही किसी ना किसी कंपनी का ऑनर है, सर ये किस कंपनी का ऑनर है बता देते हैं। एक्स वाई जेड लिमिटेड का। इसने फैसला किया कि ये इस कंपनी को परचेज करेगा। तो कंपनी को परचेज करने का मतलब ये है कि उस कंपनी की आपको एसेट्स और लाइबिलिटी ले लेना है। अगर आपने एसेट्स और लाइबिलिटी किसी भी कंपनी का ले लिया तो माना जाएगा आपने कंपनी को परचेज कर लिया है। तो सर इस कंपनी को खरीदेगा तो एसेट्स और लाइबिलिटी, लेकिन एक बात ध्यान रखना है सर कि एसेट्स और लाइबिलिटी को खरीदते टाइम पे ये दोनों पार्ट, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, एसेट्स लाइबिलिटी का हिस्सा नहीं होता है। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस लाइबिलिटी का हिस्सा नहीं होता है, यानी जब ये खरीदेगा इस कंपनी को तो इसके सारे एसेट्स ले लेगा
और लाइबिलिटी में इन दोनों के अलावा लेगा। मान लो अगर डिबेंचर होता तो डिबेंचर भी ले लेता। एनी लाइबिलिटी, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, डिबेंचर, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई भी होगा सब लेगा। ये लेने का मतलब इसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। इसमें से बस ये दोनों उठ के चले जाएंगे भाई, मालिक गायब हो जाएगा। इस जगह पे कौन बैठ जाएगा आके? ये बैठ जाएगा, हो जाएगा इसका बिजनेस। तो भैया ये इस बिजनेस को खरीदने की बात कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें। तो अब ये बिजनेस को खरीदेगा तो पहले पैसा तय करके बताएगा कि भाई मैं तेरे को कितने का खरीदूंगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट तय करके बताएगा। और जो अमाउंट तय करके बताएगा उसको बोला जाएगा कि इसने इस कंपनी को उतने रुपए में खरीद लिया, और इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाएगा परचेज कंसिडरेशन इतना है। तो परचेज कंसिडरेशन मतलब जितने का इसका खरीद लिया सारा कंपनी, उसे बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। आप सिंपल सा, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन एक टेक्निकल वर्ड है तो बच्चे उलझ जाते हैं, सर ये परचेज कंसिडरेशन नहीं आ रहा। भाई सिंपल सी बात है, आप सब्जी लेने भी जाते हो, आलू खरीद के लाते हो, 10 रुपए किलो आलू है, 10 रुपए दिया, 10 रुपए, व्हाट इज क्या परचेज कंसिडरेशन? यानी जितने का सामान आप खरीद रहे हो उसके बदले जो पेमेंट देने के लिए आप तैयार हो उसे क्या बोलेंगे? परचेज। तो सर यहां पे परचेज कंसिडरेशन के दो तीन ऑप्शन बोल देता हूं। पहला ऑप्शन ये बोलता है मैं आपको 6 लाख का, 6 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल दे दूंगा। दूसरा ऑप्शन कहता है मैं आपको 50,000, 10 रुपीज ईच इक्विटी शेयर कैपिटल दे दूंगा। तीसरा ऑप्शन बनता है मैं आपको 55,000, मैं आपको 55,000, 50 तो नहीं कहते, इसको 40,000 कर देते हैं, और इसको कर देते हैं 45,000। 45,000 10 रुपीज ईच वाला इक्विटी शेयर, और साथ के साथ 20,000 रुपये मैं दूंगा आपको कैश। यानी ये इसकी बातें हैं, जो बोल सकता है इससे, बोल सकता है भैया तू इतना पैसा ले ले, या फिर बोल सकता है ये वाला पैसा ले ले, या बोल सकता है पैसा प्लस कैश ले ले, और बदले में मैं इसे क्या दूंगा? इक्विटी शेयर। अभी जितने भी इक्विटी शेयर है वो किस पे? एट पार पे, केस नंबर 4। देखो इसके अंदर हम जितना भी करने वाले हैं ना, इससे बाहर एग्जामिनर नहीं पूछेगा कभी भी। मैं सारे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब पॉइंट करा देता हूं। मैंने कहा मैं आपको 50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल देने वाला हूं एट 10% प्रीमियम पे, ठीक है? तो भैया सबसे बेसिक सी बात है, हम इसके बिजनेस को खरीद रहे हैं तो पहला केस, हम इसके बिजनेस को खरीदने का मतलब सारा एसेट्स खरीदेंगे तो सारा एसेट डेबिट कर देंगे। यानी सर बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट, क्या कैश भी खरीद लेंगे? हाँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बैंक भी खरीदने की चीज है, बिल्कुल वो भी ले लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। टू, इसका लाइबिलिटी भी लेंगे, क्रेडिटर भी ले लेंगे। बदले में इसको परचेज कंसिडरेशन देना है, तो या तो मैं यहां पे शब्द यूज करूंगा वेंडर, या मैं यूज करूंगा परचेज कंसिडरेशन। जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीसी भी बोल देते हैं। अब आप एक बात, सिंपल सी बात है, आपको जब किसी कंपनी को खरीदोगे ना तो आपको
तीन बातें हो सकती है पॉसिबल। या तो आपको होगा प्रॉफिट, उस कंपनी को आपने सस्ते में खरीद लिया, या होगा ज्यादा महंगा खरीद लिया कंपनी को, या नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर किसी कंपनी को सस्ते में खरीदोगे तो जो प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व मानेंगे। अगर उस कंपनी को हमने महंगे में खरीदा तो क्यों खरीदा महंगे में? ताकि हम पता है उस कंपनी की वैल्यू ज्यादा है, तो उसको गुडविल मानेंगे। और जब सेम रेट पे खरीदेंगे तो कुछ नहीं मानेंगे। तो यहां पे हम देखते हैं सर, अमाउंट लिख के कितने हैं? 5 लाख, 1 लाख, 50 हजार, 3 लाख और 50 हजार। क्रेडिटर 5 लाख। हमने बोला प्रॉमिस कि आपको 6 लाख का इक्विटी शेयर देंगे, तो दैट इज 6 लाख। अब आप ध्यान पूर्वक देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, दोनों साइड मैच ही नहीं हो रहा। यानी सर इसका बैलेंस ना इधर 11 है और इधर 10 है। डिफरेंस है ना, वो डेबिट में निकल रहा है। तो जो डिफरेंस होगा, हमने यानी महंगा खरीद लिया तो क्या, क्यों खरीदा होगा? गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे। और सर कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। अगली एंट्री क्या करेंगे? वेंडर या फिर पीसी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट्स इट। खत्म जी खत्म। ये पहला केस कंप्लीट। सर बींग क्या लिखेंगे? बींग लिखेंगे एसेट्स एक्वायर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन, ये रहेगा बींग। और इसमें शेयर इश्यू टू वेंडर। किसी बच्चे को कोई समस्या? सर कैश बैंक का सिस्टम समझ नहीं आया भाई। इसके अंदर से बस हम मालिक को हटा देंगे, भाई तू निकल जा, बाकी बिजनेस मेरा है। तो पहले ये था पीक्यूआर लिमिटेड में, और इसका बैंक खाता भी था पीक्यूआर लिमिटेड में। अब इसके बैंक खाते पे नाम बदल के कर देंगे एक्स वाई जेड लिमिटेड, तो बैंक तो मेरा ही हो गया ना, और उस कैश पे भी पूरा पूरा मेरा अधिकार हो जाएगा। सर बच्चे कह रहे हैं सर 11 लाख नहीं आएगा। टोटल करिए 5, 6 और इधर का टोटल 10 लाख नहीं है क्या? 6, 6, 6.5, 6, 10 लाख और इधर 11। इधर देखो ना 11 आ रहा है, क्रेडिट क्रेडिट 11, और इधर एक का कम पड़ गया, तो ये बैलेंसिंग फिगर है। चलिए यहां तक समझ में आई बात? अगले पॉइंट पे चले। पॉइंट नंबर टू, अगर आप 40 हजार शेयर दे दो तो क्या होगा? तो भैया 40 हजार शेयर दे के देख लेते हैं। केस नंबर टू, अगर आप ना 40 हजार शेयर देते हो ना, तो एंट्री पता है क्या होगा? पहले सारे एसेट्स और लाइबिलिटी लेंगे। यानी सर ये वाली जो एंट्री है ना, पहले ये वाली एंट्री तो करना ही पड़ेगा। ये एंट्री तो हर हाल में करना पड़ेगा। आ जाएगा यहां। ओहो केस नंबर टू, तो पहले तो जब एसेट्स खरीदा तो इसी वैल्यू पे खरीदेंगे। अब जब टोटल करेंगे ना, तो बस फर्क इतना रहेगा, इसको जो परचेज कंसिडरेशन है वो कितना आ जाएगा आपका? 4 × 10। यानी तो यहां पे पाया जाएगा कि ये दोनों डिफरेंस आ रहा है,
सर कहाँ डिफरेंस आ रहा है? तो अब देखोगे इसका डिफरेंस जो है वो कहाँ आ गया, क्रेडिट में। तो जब क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो मैच कर देंगे किससे सर, टू कैपिटल कैपिटल रिजर्व, और ये लो आ गया 1 लाख। अगली एंट्री वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का दिया, यानी सर दूसरे एग्जाम्पल में मैंने इसको 4 लाख में ही खरीद लिया और 5 लाख की कंपनी है, देखी जाए तो सारे एसेट्स 10 का, 5 का कर्जा भी पेड कर देंगे तो 5 की वर्थ रखता है, लेकिन मैंने कितने का पेमेंट कर दिया, सिर्फ 4 लाख का। तो इसका मतलब सर हमारा हो गया फायदा, और जो फायदा होगा वो रेगुलर नेचर का नहीं है, वो होगा कैपिटल नेचर का, तो इसलिए जाएगा कैपिटल रिजर्व में। सर वेंडर का वैल्यू गिवन होगा हमेशा, बिल्कुल हमेशा गिवन होगा, या मैंने देखो यहाँ वेंडर का वैल्यू नहीं बता के नंबर ऑफ शेयर्स बता दिया, तो वो आपको समझना होगा, वेंडर का वैल्यू हमेशा गिवन होगा वो समझना होगा। चलिए केस नंबर थ्री, यहां करेंगे केस नंबर थ्री। सर केस नंबर थ्री कैसे होगा देख लो, क्या कहता है कि हम देंगे आपको 45,000 शेयर और 20,000 नगद, तो हिसाब किताब लगाएं तो 45,000 शेयर 10 रुपए का एक, तो 4.5 लाख, और 20,000 नगद मतलब इसको पेमेंट पड़ेगा 4,70,000, ठीक है ना। तो सारे एसेट्स को खरीद लेते हैं सर, कौन कौन से एसेट्स खरीदोगे इसके, सब कुछ नहीं खराब हो जाएगा, सारे एसेट्स खरीद लेते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर 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 अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर्स और टू वेंडर और टू, बस अमाउंट लिखो 5 लाख, 50,000, 1 लाख, 3 लाख और 50,000, 5 लाख, और वेंडर को वादा किया है कि मैं आपको दूंगा कितने, 4,70,000। तो 4,70, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है सर 4,70 कैसे आया, कुछ बच्चों को परेशानी हो सकती है, तो भैया मैंने प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया कि मैं आपको 45,000 शेयर दूंगा 10 वाले, तो मतलब 4,50 के शेयर हो गए, और 20,000 नगद दूंगा तो देट इज 4,70 ही तो हो गए। तो अब डिफरेंस जो है अभी स्टिल क्रेडिट में आ रहा है, तो किससे मैच करेंगे, कैपिटल रिजर्व 30,000, किससे मैच कर देंगे, कैपिटल रिजर्व 30,000। अगली एंट्री क्या करेंगे सर, वेंडर अकाउंट डेबिट और टू आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल और टू कैश। सर इक्विटी शेयर कैपिटल में तो 4.5 लाख ही जाएगा, और यहां 20,000 और यहां 4 लाख। लीजिए जी केस नंबर तीन भी डन, केस नंबर चार कर लिया जाए। केस नंबर चार, भाई थोड़ा ध्यान से नोट करना, मिक्स हो सकता है केस नंबर चार। चौथे केस में ये अब देखा जाए, चौथा केस कहता है भैया मैं तुझे 50,000 इक्विटी दूंगा 10% प्रीमियम पे,
मतलब मैं तुझे 50,000 इक्विटी दूंगा 10% प्रीमियम पे, तो मतलब सीधी सीधी सी बात है तुझे 5,50,000 का सामान दूंगा मैं। तो यहां पे जो वेंडर में आ जाएगा वो आ जाएगा 5 लाख, यानी 50,000 का फेस वैल्यू और 10% यानी 10,000 का। यहां पे नंबर नहीं निकालना आपको प्रीमियम वाले केस में, पुराने वाले में आपको निकालना पड़ेगा। यहां तो दे ही रखा है नंबर, पहले से ही दे रखा है। अब यहां पे फर्क देखोगे ना तो डेबिट में आएगा, दैट इज आप मैच करोगे, आप चेक करोगे तो यहां 50,000 का फर्क आएगा, वो गुडविल होगा। समझ में आई बात आपको? अगली एंट्री कौन सी होगी? बेसिक वाली एंट्री। सर अगली एंट्री कौन सी होगी? मैं यहां पे कर देता हूं, वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट आ जाएगा यहां पे 5,50, 5 लाख और 50,000। लीजिए जी लीजिए। सर कैपिटल रिजर्व कैसे आ गया? सर कैपिटल रिजर्व क्यों किया? आप किसी कंपनी को सस्ते में खरीदोगे तो फायदा हो गया, और जो प्रॉफिट आपका रेगुलर रूटीन नेचर का नहीं होता उसको कैपिटल रिजर्व में ही डाला जाता है, और जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है वहां लिखा जाता है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा काम थोड़ी ना कर रहे हैं, और ये रेगुलर नेचर का भी नहीं है, तो इसलिए कैपिटल रिजर्व में चला गया। मतलब सस्ते में खरीद लिया ना मैंने उस कंपनी को तो फायदा हो गया, तो फायदा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा।